चिंकी बेटा चलो चल के अपने हाथ धो लो, हम बस नाश्ता लगा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है चिंकी, मम्मी का हाथ जला दिया। अब आरुषि बेटा जाके अंदर से मरहम ले आओ। अभी ला। तुम यहाँ आओ चिंकी, आओ बेटा। पापा इसमें तो मरहम है ही नहीं। अरे यार आरुषि मरहम नहीं तो जाके बर्फ लेकर आओ ना। हाँ अभी ला। ज्यादा जलन हो रही है। ये लीजिए कोमल, तुम बैठो। बैठा अभी तुम्हें आराम मिलेगा। वैसे जलन थोड़ी कम हुई। जलन रहे दो आदर्श, तुमका ना हमरी चिंता करे की कौनो जरूरत नहीं। वैसे भी अब हम तुमसे अलग होए खातिर तो राजी हो गए, इसलिए अपना तुम एकदम ही निश्चिंत रहो। जैसे जैसे हमारा अंगूठा कट गवा था वो तुम्हारी कागजी कार्रवाई में एकदम रुकावट सा बन गया था, वैसे ही जलन तुम्हारे तलाक की कागजी कार्रवाई में ना कौनों भी रुकावट नहीं लाएगा। अरे ठकुराइन आप आइए देखिए। अरे भाई ठकुराइन आइए, ठाकुर साहब के साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाओ। आइए ठकुराइन, क्या सेवा करें हम आपकी। हमका ना कोनो बड़ा वाला हार दिखाइए अच्छा सा। ये हमारी दुकान के सबसे बेहतरीन हार है। ये सब कहाँ दिखा रहे हैं आप? अरे का किसा बेटा गहना दिखा रहे हैं? अरे हमको कोनो अच्छा सा हार दिखाइए, वरना हमको ना कोनो दूसरा दुकान पे जाना पड़ेगा अपना मनपसंद हार लेने के लिए। अरे नहीं नहीं ठकुराइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपकी सेवा के लिए। सारी भैया गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए भैया। देखा गलती हो गई मतलब क्या, देख के नहीं चल सकते हो? अरे कब अनहराए को नशा चढ़ गया तुम का है? साला हमरी जगह कोनो ग्रास से टकराए जाते फिर ऐसे मुंह लटका लेते, कहते थे सारी सारी फारी से काम नहीं चलता समझो। तो ऐसी गलतियां हो तो तुमका साला लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। सबके सब साले आलसी टट्टू हो गए। खूब साला भी ये नुकसान का होगा है, कौन मरेगा नुकसान तुम्हारा बाप? या हमारी तनख्वाह से काट लेना, बाकी गाली मत दीजिए। सारा नवाब हो रहे हो है? सर हमका अपनी तनख्वाह दिखाएगा तू है? बहुत 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 बड़गव है। गाली ने गाली देने का तुम्हारा गोदी उठा ले। भैया हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं पर गाली मत दीजिए। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं भैया? अपना ही आदमी है, ऐसा होता अपना आदमी है? सारा नौकर है नौकर। ये देखिए ठकुराइन, देखिए पैसा आ जाने से रुतबा भी आता है, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं जो आपकी तरह रुतबे को बरकरार रख सकते हैं। आपकी तो बात ही कुछ और है, ऐसा लगता है जैसे ये देह गहना पहनने के लिए ही बनवाया गया है। बाकी हम भी एक बात कहें आपसे, असली हीरे की परख ना सच्चे जौहरे को ही होती है, तभी तो इतनी इज्जत कर रहे हैं। आप भी तो एकदम असली हीरा है। अबे हीरा का पैसा ना हम ही दे रहे हैं, इका जोन देखना है ना चुप्पे चाप दिखा, काम ज्यादा कर मुंह कम चला ससुर। आप चुप रहिए ना, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है का कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं। बाकी अगर जबान ना ससुर जी के सामने खुलती तो कोई फायदा तो होता, वहाँ तो आप बोलते नहीं, आपके मुंह पर केवल ताला लग जाता है नहीं?